हैं, अपनी बात को रखें, अपनी घोषणा करें और शाह को भरोसा दिलाएं। आप देखिएगा रत्नेश जी आपके लिए इतने दिनों से लगे हुए थे, तो सबसे पहले मैं रत्नेश जी से कहूँगा कि एक बार पढ़ के बता दें सारा हूँ। नमस्कार, आज वो दिन आ गया जिस दिन के लिए आप लोग इतने दिन से संघर्ष कर रहे थे और आपकी सरकार, आपने जो जो मांग की थी सारी मांगे जो हैं वो मान ली गई हैं। आप लोगों की पहली मांग थी कोर इंसेंटिव के लिए, कोर इंसेंटिव 1500 रुपए से बढ़ा के 3000 रुपए कर दिया गया है। जो दिल्ली सरकार की तरफ से बाकी की एक्टिविटीज़ का इंसेंटिव जो आप लोगों को मिलता है वो सारे इंसेंटिव जो हैं वो दोगुने कर दिए गए हैं। एक और आपकी मांग थी कि वर्ष में दो बार वर्दी मिलनी चाहिए, हम भी मानते हैं कि दोनों दो बार वर्दी मिलनी चाहिए और वो मांग भी आपकी मान ली गई है। एक आपकी मांग थी कि हम लोगों को 100 रुपए महीना फोटोस्टैट कराने के लिए मिलने चाहिए, वो भी 100 रुपए आपके एज इट इज मान लिए गए हैं। इसमें मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, आप लोगों को पता है कि हमारी बहुत सारी फाइलें जो है महामहिम के यहाँ जाके रुक जाती हैं, तो ये जो सक्षम अधिकारी हैं जिनके अंतर्गत ये सारी डिमांड्स आती हैं, दिल्ली सरकार ने सारी मांगे आपकी मान ली हैं और ये सक्षम अधिकारियों तक ये फाइल जो है आपकी पहुंचा दी है और जो भी होगा हम आपके साथ हैं और ये जल्दी से जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए। एक आपकी मांग थी कि पिछले 6 महीने से कुछ आशाओं को इंसेंटिव नहीं मिले हैं, वो दिवाली से पहले रिलीज कर दिए जाए, वो सारे के सारे इंसेंटिव आपको जो है दिवाली से पहले मिल जाएंगे, 15 अक्टूबर तक मिल जाएंगे। और एक जो बहुत सारी हमारी आशा वर्कर्स जो काम पे नहीं जा रही थी और यहाँ पे जो है अपनी मांगों को लेके प्रदर्शन कर रही थी, उन सब के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये दिल्ली सरकार का वादा है। अब मैं स्वास्थ्य मंत्री जयंत साहब जी से कहूँगा कि आगे आपको बताएं। आशा वर्कर के साथ जो हमने लास्ट ईयर भी इंसेंटिव बढ़ाया था सभी लोगों का, और मैंने तब भी कहा था देखो अगर पहाड़ पे चढ़ना हो तो एकदम से नहीं चढ़ा जाता, धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है। अगर 10वीं मंजिल पे जाना हो तो पहले पहली मंजिल पे, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे धीरे धीरे जा सकते हैं। कई सारे लोग कहते नहीं जी आज ही चढ़ेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमने देखो दूसरी मंजिल पर पहुँचा दिया आपको, ग्राउंड फ्लोर से सेकंड मंजिल पर पहुँच गए। आप लोगों की कुछ डिमांड और भी थी, एक डिमांड थी भी आपको धक्के बहुत खाने पड़ते हैं, अब उसको लिख के दे दो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु उसको खत्म करेंगे। देखो हमारा मकसद क्या है, आशा वर्कर किस लिए बनाया गया था, कि अभी जो समाज में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी सेवा के लिए उनको साथ लेके जाते हो तो वहां पे सुनने में आया कि काफी आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं होता। हाँ मैं ये देखो करने वाले भी हम ही लोग हैं, सब लोग हम ही हैं हमारी, अरे मैडम मैं ही मान रहा हूँ, ये हम ही लोगों की दिक्कत है कि हम लोगों को बड़ा मजा आता है दूसरे की बेइज्जती करने में, ये हमें आज कसम खानी पड़ेगी। अरे वो तो जब ठीक होंगे होंगे, आप सबके सब कसम खाओगे आज के बाद आप बदतमीजी नहीं करोगे किसी से। भाई दूसरे सुन लीजिए बात, सुनो ऐसा कुछ नहीं होता ना, ना अपने से ऊपर वाले छोड़ो, अपने से नीचे वाले को देखो, आपसे नीचे भी बहुत लोग हैं, आपसे नीचे भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आपसे गरीब भी मिलेंगे, आप रिक्शा वाले के साथ बैठते हो, एक गरीब औरत है, हो सकता है आप में कोई ना करता हो पर कुछ तो हैं, कभी कभी गुस्से में आ जाता होगा, अगर आप ये नियम बना लो गुस्सा नहीं करोगे, किसी को डांटोगे नहीं, किसी को बदतमीजी नहीं करोगे, ये नियम बना लीजिएगा, इससे क्या होगा कि लोग इज्जत करेंगे, भाई आशा वर्कर बहुत अच्छी होती है, ये आशा दीदी कहते हैं, वर्कर तो कोई नहीं कहता, कि आशा दीदी बड़े प्यार से बात करती है, एक तो सबसे प्यार से बात करनी पहली बात, दूसरी बात हमने कोशिश कर रहे हैं कि सबको टैबलेट दिया जाए, टैब देखा
टैबलेट का मकसद क्या होगा? देखो होता क्या है कि एक आदमी को उससे जितना अच्छा काम कराएंगे उतना अच्छा होता चला जाएगा। आप जैसे पेशेंट के पास गए, घर पे गए, तो टैबलेट में सीधा उसकी फोटो खींच ली, उसी को वहीं पे एंट्री, दो तीन एंट्री कर दी और सारा काम खत्म। आपका इंसेंटिव ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपको किसी बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने लिख के क्यों नहीं दिया चीज बताया, तो अब सरकार है, सरकार में जलेबी बनते काम नहीं होते, आपको पता होगा, आपका रास्ता वो रोज रास्ता पड़ता होगा। मैंने आदेश दे दिए इसको करा जाए, समय लगेगा थोड़ा सा, आप मान के चलेगा 6-8 महीने लग सकते हैं इन चीजों को लागू करने में। हम चाहते हैं कि सबको अच्छी से, देखो आपको किस लिए बनाया गया, आपको इसलिए नहीं बनाया गया कि हमने आशा वर्कर खड़े करने थे, ये नहीं था मकसद, ये था कि हम महिला और बच्चों की सेवा कर सके, मकसद तो वही था। उस मकसद को जितनी अच्छी तरह से हम पूरा कर पाएंगे उतना ही हमारे, आज हमारे जैसे मान लो प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ है, अगर वो देश में सबसे अच्छा हो जाता है, छोटे बच्चों की डेथ, अगर हम छोटे बच्चों की डेथ होती है, केरल में हमारे से बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, जिस दिन हम केरल को हरा देंगे हम देश में नंबर वन पहुंच जाएंगे, तो उस दिन लगेगा कि हम लोग जीत गए हैं। तो हमारा मकसद वही है कि हमने उनकी जान बचाने, और एक चीज बता दो आखिरी, आपको भगवान ने मौका दिया है, हर आदमी को मौका नहीं मिलता सेवा करने का, भगवान ने मौका दिया, आप पहले किसी सेवा करवाते थे, अब सेवा करते हो, और कोई ना कोई तो दुआ देता है भाई, आप लोगों को हर रोज एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, पांच आदमी दुआ देते होंगे, देते ना, आप सड़क पे खड़े हो जाओ पूछो कि किसने दुआ दी, कहते आज तक नहीं दी। तो आप ये सोच के देखो कि इतना अच्छा भाग्य मिला आपको कि आपको दुआ देने वाले इस दुनिया में मौजूद हैं, अब बस यही करना है, दुआ बढ़ाते रहो कि वो और दुआ दें आपको, ऐसा काम करना। हम अपनी तरह से पीछे नहीं हटेंगे, देखो ये आम आदमी पार्टी जो कहते हैं ना, कहते कहते गरीब आदमी पार्टी है, और हम मानते हैं भाई, हम तो हैं साफ साफ कहते हैं कि गरीबों की पार्टी है। अगर देखो गरीबों का ध्यान नहीं रखेंगे भाई, आपके भी तो बच्चे हैं, आपका भी परिवार है, अगर आपके पास 4 पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो आप अपने बच्चों को अच्छी तरह पालेंगे, तो हमारे देश का ही तो फायदा है। हमारा देश क्या होता है, देश है आगे आने वाले बच्चे, वो बच्चे जितने अच्छे रहेंगे देश उतना अच्छा बन जाएगा। आज हो क्या रहा है कि बहुत अमीर जो लोग हैं वो तो बहुत अमीर बन गए, और अभी बहुत अमीर बन गए, पर जो मीडियम क्लास में है, जो लोअर क्लास में है, वो बेचारे दब गए, महंगाई बढ़ती गई, उनका खर्चा नहीं बढ़ रहा। तो हम इस बात को मानते हैं, कई लोगों को इस बात बहुत बुराई लगती है कि तो सबकी बातें मान लेते हैं, जी हाँ जी मान लेते हैं, अपनों की तो मान रहे हैं, किसी भरपार वाले की थोड़ा मान रहे हैं। कई लोग हमारे अफसर भी कहते हैं कि जी क्यों मानी, मैंने कहा हमारी मर्जी इसलिए मानी भाई, इन्होंने हमें बनवाया था इसलिए मान ली, भाई आपने हमें बनाया ना इसलिए आपकी बात मान ली, अब अपने की कौन नहीं मानेगा, तो इसलिए हमने पक्का। और मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया था और उन्होंने कहा था सारी बात मान लेना, कोई छोड़ना मत। तो मैंने कहा भी उनकी डिमांड तो सुनने की तो जरूरत नहीं है, कहते मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, जो भी है सब मान लेना। असली कारण क्या है कि उन्होंने आप लोगों के बीच में काम किया हुआ है, उन्होंने गरीबों के बीच में काम किया हुआ, खुद अपनी नौकरी छोड़ के कई साल तक वो गरीबों के बीच में रहे हैं, तो उनको पता है इस देश को चलाने वाले आम आदमी है, बड़े लोगों को नहीं पता देश कैसे चल रहा है, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याएं नहीं है। तो मैं ये मानता हूं हम आपके साथ हैं, हो सकता है कि आपकी आशा, नाम तो आशा वर्कर ही है, आपकी आशा 100% पूरी ना हो रही हो, पर हम ये मानते हैं 50-60-70 तक तो पहुंच ही गए हैं, और 1-2 साल में 100 तो पहुंच जाएंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे इलाके में जहां भी हो, अब आपने अपना नाम करना है, आपका नाम होना चाहिए कि जी आशा वर्कर, आशा दीदी का नाम होना चाहिए कि हाँ जी वो दीदी है। अगर किसी का नाम नहीं होगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, हर इलाके में आपकी सबकी, आपको लीडर बनना है अपने अपने इलाके का। भाई हम तो कहते हैं बिजी हो गए, मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो अब आपने छोटे छोटे इलाके को संभालना है अपना। और देखो मैं अपने आप को समझता हूँ भाग्यशाली, मैं भी हूँ। मैं आपको चलो एक किस्सा सुना देता अपना, जब पहली बारी सरकार बनी थी तो मुझे मंत्री बनाया गया, तो मैंने सोचा भाई मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो मुझे स्वास्थ्य मंत्री तो सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था मुझे बनाएंगे, पीडब्ल्यूडी मंत्री बना देंगे, और मुझे बना दिया स्वास्थ्य मंत्री। मैंने कहा मुझसे क्या दुश्मनी थी जो स्वास्थ्य मंत्री बना दी, भाई मुश्किल काम है ना वो। पर थोड़े दिनों के बाद मुझे लगा मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे मौका मिला लोगों की सेवा करने का,
और मैं इसी बलबूते पे, आप सबके बलबूते पे आज दिल्ली के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाओं में काम हो रहा है, पूरे देश में नहीं संसार में इनकी बातें हो रही हैं। इस वजह से हो रही है कि सब लोग मेहनत कर रहे हैं। आप थोड़ा सा और भरोसा रखिएगा। देखो, भरोसा रखेंगे तो मिलके काम कर लेंगे। अगर किसी के बहकावे में आ गए, वो कहेंगे काम मत करो। देखो, जो कहता है काम मत करो चोरी सिखा रहा है। चोरी करना क्या होता है? हराम होता है। चोरी ये नहीं होता भाई आप में से कोई मोबाइल चोरी करेगा, कोई नहीं करेगा। तो काम चोरी भी चोरी होती है, तो चोरी तो चोरी है। तो अगर कोई आदमी आपको चोरी सिखाता है, वो उसका मतलब आपका दुश्मन है। मैं कहता हूँ काम करो, और जितना काम है थोड़ा ज्यादा करो। भाई आपने किसी से घर गए, उसके चेकअप किया, सब कुछ किया, उसे दो प्यार की बात भी कर लो, सास बहू की बात भी पूछ लो कि भाई सास तंग तो नहीं करती, उसको नहीं भूल कि सास वास तंग तो नहीं कर रही, और तंग करती है तो उसको भी समझाओ, उसको कभी तंग नहीं किया करते, गलत बात है। और फिर एक नई बीमारी जो अमीरों में थी अब गरीबों में आने लगी, लड़की को पैदा होने से पहले मार देते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। इस बीमारी को फैलने मत देना, क्योंकि सारी आप महिलाएं हैं। अगर महिलाएं इस चीज को नहीं रोकेंगी, सबको प्यार से भी समझाइए, धमका के भी समझाइएगा, इससे बड़ा पाप नहीं है। घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, नवरात्रे की पूजा करते हैं, और लड़कन्या को पैदा होने से पहले मार देते हैं। उन लोगों को समझाइएगा, इससे बड़ा पाप नहीं है, नरक भी नहीं मिलेगा, नरक में भी नहीं जाओगे, समझा देना। तो मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य के अंदर जो इंडिकेटर्स हैं सारे के सारे टाइम के साथ अच्छे होंगे, कन्या हत्या खत्म होगी, कम नहीं होगी, खत्म होगी। मैं आपके भरोसे से कह रहा हूँ कि आप लोग इसको अपना पूरा नियम बना लीजिएगा, दिल से काम कीजिएगा। सरकार हमारी आपके साथ है, केजरीवाल जी का आपके साथ पूरा, मतलब मुझे तो लगता है कि उनको आपके साथ यूनियन में भी बैठना चाहिए था, तो यूनियन लीडर आपको कोई भी चीज लेके जाओ तो पहले हाँ कर देते सारी चीजों को, भाई डन। तो मेरे को लगता है कि वो यूनियन के लीडर आपके अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनको लिख लो यहाँ पे नाम, अरविंद केजरीवाल जी हमारे लीडर हैं, तो आपकी सारी बातें मान लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।